हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर योगेंद्र बोला एंड हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में और एक इम्पॉर्टेंट बीमारी के बारे में। जो मेडिसिन है वो है टैबलेट एल्ट्रोक्सिन। ये एल्ट्रोक्सिन दोस्तों एक फेमस ब्रांड नेम है और इसमें जो दवा है वो है थायरोक्सिन। दोस्तों, थायरोक्सिन एक हार्मोनल टैबलेट है, एक हार्मोन है, और ये हमें देनी पड़ती है। एक थायराइड की बीमारी होती है। थायराइड दोस्तों, थायराइड ग्लैंड हमारे गले के अंदर रहता है जैसे हम जानते हैं, और थायराइड ग्लैंड कई बार अंडर एक्टिव हो जाता है, यानी कि ये काम सही नहीं करता। थायराइड ग्लैंड का काम है शरीर में दो इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करना, एक है T3 हार्मोन और दूसरा है T4 हार्मोन। T3 और T4, ये दोनों हार्मोन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए, हमारे शरीर में एनर्जी बनने के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो थायराइड ग्लैंड है ये सही काम नहीं करता, अंडर एक्टिव होता है, सुस्त होता है कई वजह से, और ये हार्मोन शरीर में कम मात्रा में छोड़ता है, और ये कंडीशन बन जाती है हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि थायराइड की मात्रा कम होना। तो दोस्तों, जब हमारे शरीर में थायरोक्सिन ये हार्मोन T3 T4 हार्मोन कम हो जाते हैं तो कुछ बीमारी के लक्षण दिखते हैं, जैसे कि बॉडी पेन होना, हाथ पैर दुखना, सब जगह दर्द होना शरीर के अंदर। दूसरा है थकान रहना, एनर्जी लेवल्स डाउन रहना, टायर्डनेस रहना, इंसान वो थका रहेगा, सुस्त रहेगा। तीसरा इम्पॉर्टेंट जो लक्षण है वो है वजन बढ़ना, अचानक से मोटापा आ जाएगा, ओबेसिटी आ जाएगी, हेयर फॉल हो सकते हैं, बाल झड़ सकते हैं, और स्त्रियों में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो जाती है, पीरियड्स कम आएंगे या आने बंद हो जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण देखने मिलते हैं और इस बीमारी को हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव हो जाता है, सुस्त हो जाता है, क्योंकि वो शरीर में जो हार्मोन छोड़ता है हमारे ब्लड में T3 T4 वो कम छोड़ता है। तब जो हार्मोन हमारे शरीर में कम हो जाता है, इसलिए इस बीमारी को ठीक करने के लिए हम एल्ट्रोक्सिन यानी थायरोक्सिन ये हार्मोन बाहर से देते हैं, ओरली देते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में वो कम बन रहा है। जैसे ये हार्मोन ये टैबलेट हम खाते हैं तो ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, जो हार्मोन की कमी है शरीर में जिस पेशेंट के, वो दूर होती है और पेशेंट के उसको फ़ायदा मिलता है। इस तरह से ये टैबलेट थायराइड की बीमारी है, अंडर एक्टिव थायराइड है, उसको ठीक करता है। दोस्तों, नॉर्मली इस दवा को लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। तो दोस्तों, इस टैबलेट की आज हम आपको सारी जानकारी देंगे, कृपया अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स वो है पाल्पिटेशन होना, कई बार आपकी धड़कन तेज हो जाएगी, नौजिया, उल्टी, उबाक, दस्त लगना, पेट में दर्द होना, और हॉट फ्लशेज होना, यानी कि आपके चेहरे पर वार्मथ यानी गर्मी महसूस होगी। कई बार ये टैबलेट लेने से वेट लॉस हो जाता है, नर्वसनेस रहती है, आप थोड़ा नर्वस रहते हैं और रेस्टलेस रहते हैं, बेचैन रहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कभी भी आप देखने मिले तो आप आपके डॉक्टर से ज़रूर मिलेगा। इस टैबलेट को यूज़ कैसे करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे यूज़ करना है। नॉर्मली इस टैबलेट को हमेशा एम्प्टी स्टमक यानी सुबह जब आप उठते हो तो खाली पेट लेना होता है। इस टैबलेट को पानी के साथ निकलना है, स्वेलो विद वाटर, पानी के साथ निकलना है। इस टैबलेट को चू, क्रश, ब्रेक नहीं करना और खाली पेट लेना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और डोज डॉक्टर डिसाइड करेंगे आपके हार्मोन लेवल्स को देख के, आपके जो TSH लेवल्स हैं वो देख के डॉक्टर्स डोज डिसाइड करेंगे कि 50 माइक्रोग्राम्स लेना है, 100 लेना है, 75 लेना है, अलग अलग स्ट्रेंथ में टैबलेट्स आती है, ये बात का ध्यान रखेंगे आप। अब नॉर्मल दोस्तों सेफ्टी एडवाइस, इस टैबलेट को हम क्या अल्कोहल के साथ ले सकते हैं, अल्कोहल के साथ सेफ है ड्राइविंग करते समय? जी हाँ दोस्तों, ड्राइविंग करते समय भी सेफ है। क्या प्रेगनेंसी में दे सकते हैं? जी दोस्तों, अगर प्रेग्नेंट हैं आप और आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायराइड की कमी है, तो आप ये हार्मोन उस समय भी ले सकते हो, प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, माँ को बच्चे को दूध पिला रही माँ, तब भी वो ले सकती है। अगर आपको किडनी या लिवर संबंधी बीमारी है तो डॉक्टर्स को बताइए, आप कंसल्ट योर डॉक्टर्स, हो सकता है डोज एडजस्टमेंट करना पड़े, इन बातों का ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों इस टैबलेट के बारे में जानना जो बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले ये टैबलेट, ये देखा गया कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ा सकते हैं,
आपके ब्लड में जो शुगर है उसको बढ़ा सकते हैं अगर आपको शुगर की बीमारी पहले से है तो। इसलिए हमेशा इस टैबलेट को लेते समय अगर आपको शुगर की बीमारी है, आपको डायबिटीज़ है, तो ब्लड शुगर लेवल चेक करते रहिए। आपकी जो टैबलेट्स ले रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए कि सही तरह से आपकी शुगर के टैबलेट्स ले रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप ओरल बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हैं, गर्भ निरोधक गोली ले रहे हैं, तो क्योंकि उसके अंदर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन रहता है, वो टैबलेट इन टैबलेट के साथ लेने से, एल्ट्रोक्सिन वगैरह लेने से, एल्ट्रोक्सिन की जो काम करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। तो हो सकता है आपको एल्ट्रोक्सिन का इस टैबलेट का डोज बढ़ाना पड़े अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप कोई मल्टीविटामिन ले रहे हैं, डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया है, कोई कैल्शियम ले रहे हैं, कोई आयरन टैबलेट्स ले रहे हैं, या कोई एंटासिड्स ले रहे हैं, डाइजीन सिरप वगैरह, तो भी इस दवा और इन दवाओं के बीच में अंतर कम से कम 4 घंटे का होना चाहिए, वरना इस टैबलेट का जो एब्जॉर्प्शन है, शरीर में कार्य करने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि कभी भी ब्रांड नेम चेंज करने से पहले, मानो कि आप एल्ट्रोक्सिन ले रहे हो, ये ग्लैक्सो कंपनी का बन रहा है, अगर आप दूसरी कंपनी का लेना चाहते हो तो डॉक्टर को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हो सकता है अलग ब्रांड लेने से टैबलेट का जो असर है वो अलग देखने मिले, कम ज़्यादा देखने मिले। इन कुछ इंपॉर्टेंट बातों का आप ध्यान रखेंगे जब आप एल्ट्रोक्सिन ये टैबलेट ले रहे हैं तो। दोस्तों आज हमने आपको एल्ट्रोक्सिन टैबलेट की इंपॉर्टेंट जानकारी दी है, और ये जो काम करती है बीमारी में उसका नाम है हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि अंडर एक्टिव थायरॉयड। थायरॉयड ग्लैंड जब कम काम करता है, कम हार्मोन रिलीज करता है अपने शरीर में, तो हम बाहर से ये हार्मोन देते हैं, ऐसे इसको आसान शब्दों में समझने के लिए। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपके उपयोगी होगा, इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए, ताकि ऐसे वीडियोस हम आपको और ला कर दे सके। आपके कमेंट सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों आज अपना और आपके परिवार का खूब ध्यान रखिएगा। मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।